ताजमहल पर इन दिनों बंदरों का कब्जा हो गया है। बंदरों की बढ़ती संख्या कोई नई समस्या नहीं, लेकिन अब ये बंदर ऐतिहासिक धरोहर के एक हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। स्मारक परिसर के हर हिस्से में उनका उत्पात देखा जा सकता है। गुरुवार को उन्होंने कई पर्यटकों पर हमला भी बोल दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई सैलानी घायल नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी जरूर मच गई। स्मारक परिसर में काफी समय से बंदरों की टोलियां सुबह से ही आ जाती हैं। पानी पीने वाले स्थानों पर उन्हीं का कब्जा हो जाता है। पर्यटक डर के कारण उस ओर जाने से बचते हैं। पिछले दिनों में कई पर्यटक तो बंदरों के हमलों से घायल भी हो चुके हैं। मस्जिद के सामने बने वजू को बंदरों ने स्विमिंग पूल बना लिया और खूब मस्ती की। इस ओर से जो सैलानी निकला उस पर हमला भी किया गया बंदरों द्वारा। लोगों में अफरा तफरी मची। सैलानी अपने बचाव में इधर उधर भागने लगे। मैदान में बड़ी संख्या में बंदर देखकर पर्यटक डर गए। कई पर्यटकों के हाथों से बंदरों ने पानी की बोतलें भी छीनी और हमला कर दिया। सालों से बंदर ताजमहल पर पर्यटकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाटर टैंक के पानी में बंदर घूमते हुए दिखाई दे जाते हैं। पानी के नालों पर बंदरों की वजह से पर्यटक भीषण गर्मी में पानी भी नहीं पी पाते हैं। बंदरों के कारण स्मारक परिसर में कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनको रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी कहते हैं कि बंदरों को भगाने के लिए संबंधित विभागों को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, इसके बावजूद पर्यटकों को राहत प्रदान करने के लिए कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया जा सका है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।